So let's discuss question number 4. क्या given है? The diameter of a roller is 84 cm and its length is 120 cm. ठीक है, आपको एक roller given है. अब roller किसका होता है? Obviously cylindrical shape का होता है. ठीक है? It takes 500 complete revolution to moves once over to level a playground. मतलब ये उस roller की बात कर रहा है जो अपने playground में होते हैं ना, जो उसको level करने के लिए use किए जाते हैं. जो सरफेस होती है ग्राउंड की, उसको लेवल करने के लिए हम एक रोलर टाइप यूज करते हैं ना, मशीन होती है, उसकी यहाँ बात कर रहा है. ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. सबसे पहले तो अपन रोलर बना देते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली रोलर की शेप क्या होगी? सिलेंड्रिकल शेप का होगा. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रोलर बना दिया. ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है? इसका डायमीटर गिवन है. ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमें गिवन है. डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर. तो क्या हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? यस, डायमीटर का हाफ होता है. बताइए रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई आपकी 84 अपॉन 2, दैट इज सॉरी 2 4 8 2 2 4, 42 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या गिवन है? लेंथ. लेंथ क्या हो गई? हाइट होगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिटा के रखते तो वो लेंथ हो जाती, और जब स्टैंडिंग मोड में रखा है तो ये इसकी हाइट को इंडिकेट कर रहा है. तो ये हो गई हाइट, और हाइट आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर. आगे कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड. अब ये जो प्लेग्राउंड है उस पे ये कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 500 रिवॉल्यूशन कर रहा है, और आपसे कह रहा है कि प्लेग्राउंड का एरिया बताओ मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है, ध्यान देना, मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है, जबकि हमें यूनिट्स किसमें दिए? सेंटीमीटर में गिवन है. ठीक है, तो हम पहले जो यूनिट का कन्वर्जन कर लेते हैं. आर यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है. तो ये तो आपका हो जाएगा 0.42 मीटर, और यहां से आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो हाइट आ जाएगी 1.20 मीटर. ठीक है, तो हमने कन्वर्जन कर लिया. अब आप ध्यान से समझिए, हमें प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है. अब जब रोलर उस प्लेग्राउंड पे रिवॉल्व करेगा, मान लीजिए रोलर है ये, अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, इसका मतलब ये क्या चल रहा है, कौन से एरिया को कवर कर रहा है? ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर चल रहा है. मतलब अगर इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो एक बार इसका कर्व सरफेस एरिया कवर अप हो जाता है. ऐसे कितने कर रहे हैं हमें? 500. तो इसको हमें ऐसे कर करके आगे ले जाके कितने रिवॉल्यूशन तक करना है? 500 तक करना है. ठीक है, सो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं कि 500 रिवॉल्यूशन में इसने कितना कर्व सरफेस एरिया ट्रेवल किया, बताइए जितना ये ट्रेवल कर पाएगा उतनी ही तो इस प्लेग्राउंड का एरिया होगा. ऑब्वियसली हमें यही तो दे रखा है कि 500 में वो कंप्लीट कर देता है, तो मतलब 500 में कंप्लीट करना मीन्स इसके 500 चक्कर काटते ही वो पूरा एरिया कवर अप हो जाता है. तो इसके कट सरफेस निकालने एरिया, इसका कट सरफेस एरिया फॉर 500 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? इसके प्लेग्राउंड के एरिया के इक्वल होगा. तो हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके इक्वल होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर रिवॉल्यूशन रोलर कैसे लिखे इसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर कंप्लीटेड इन 500 रिवॉल्यूशन. ठीक है, 500 रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर हो रहा है उतना ही प्लेग्राउंड का एरिया होगा. राइट, अब हम सीधा 500 तो निकाल नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है. तो पहले हम एक रिवॉल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 500 से. तो हमारे पास 500 रिवॉल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया फॉर 1 रिवॉल्यूशन. ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन के लिए निकालते हैं. क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh वैल्यू रख देते हैं. 2 × 22/7. आर कितना आ गया था हमारे पास? 0.42. ठीक है, एच कितना आ गया था? 1.2 मीटर. ध्यान देना मीटर वाले में हम रख रहे हैं. ठीक है, 1.20 है ना, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैंने 1.2 ले लिया. ठीक है, फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं. यहां से 7 1 जा 7, 7 6
सिक्स जा कितना होता है 42, बट पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो आंसर में क्या आएगा 0.06। 22 फोर जा सॉरी 22 टू जा 44 फोर इंटू 0.06 इंटू 1.2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेंगे राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 12 6 कितना होता है 72 होता है। ठीक है, तो 44 इंटू 72, बट पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे दो और यहाँ पे वन, टोटल थ्री डिजिट्स है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो 0.072 12 6 72, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट आने चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 आ गई। अब फाइनली आप इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 44 इंटू 72 हमें क्या देता है, 44 इंटू 72। अभी हम पॉइंट बाद में कंसिडर कर लेंगे, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 2 8 4 2 8 4 7 28 2 जाएगा 4 7 28 2 2 30, तो ये आ गया 8 16 1 और 3 3 1 6 8 3 1 6 8, पॉइंट 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा 3 के बाद, तो 3.168 मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया इन 1 रिवॉल्यूशन। हमें ऐसे कितने रिवॉल्यूशन करने हैं 500, और जैसे ही हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, सो नाउ आई विल राइट कर्व सरफेस एरिया फॉर 500 रिवॉल्यूशन, किसके इक्वल होगा 500 इंटू 3.168 राइट, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डबल जीरो को मैं एज इट इज रख देती हूँ और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 8 5 40, 4 कैरी जाएगा, 6 5 30 और 4 34, 3 कैरी आएगा, 5 1 5 4 3 8 और 5 3 5, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम 1 2 3 यहाँ पे क्या लग कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, और यही टोटल एरिया क्या देगा हमें, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो फाइनली आई कैन से एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये सिलेंड्रिकल पिलर मैंने बनाया है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाई, और इसकी हाइट कितनी है 3.5 मीटर। ध्यान देंगे दीजिएगा, दोनों यूनिट डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। आपसे ये कह रहा है इस पिलर की कर्व सरफेस पे आपको पेंटिंग करनी है जिसका रेट गिवन है कि पर मीटर स्क्वायर में, मतलब एक मीटर स्क्वायर में कितने रुपीज का खर्चा आता है, 12.50 रुपीज का खर्चा आता है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल कितनी कॉस्ट होगी इस पिलर को पेंट करने में, क्या पेंट करना है, कर्व सरफेस पेंट करनी है। तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है, अगर कर्व सरफेस पेंट करनी है तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसको 12.50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो विल गेट आवर आंसर। ठीक है, नाउ पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें 12.50 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हम दोनों यूनिट को मीटर में रखेंगे, तो हाइट तो ऑलरेडी मीटर में है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो पहले तो हम रेडियस निकालते हैं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इसमें रेडियस काम में आने वाली है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, तो 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर, और हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 cm = 1/100 meter। ठीक है, तो बताइए आर क्या आ जाएगा, 25/100 meter, और आप इसको 0.25 meter भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें, कर्व सरफेस, कि हमें कर्व सरफेस पे पेंटिंग करनी है, सो दैट वी विल कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर फॉर्मूला लगा देंगे 2πRh। ठीक है, सो 2π की जगह 22/7, r 0.25 आ चुका है मीटर के अंदर, h 3.5 गिवन है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 7 1 7 7 5 35 होता है, बट क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 0.5 लेंगे।
ठीक है, फिर से 22 फोर जा 44 इंटू 25 फाइव का, ठीक है एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं अभी, 25 इंटू फाइव क्या आता है 125, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है और यहाँ पे पॉइंट के बाद वन, तो ओवरऑल थ्री डिजिट्स हो गई, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा 125 से पहले, और हम आगे लगा देते हैं 0.125, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं साइड में, कि अगर 125 को 44 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है, पॉइंट को फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 5 4 जा 20, 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी आएगा, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। फिर से 500 आ जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो ऐड करेंगे 0 0 5 4 5, तो मेरे पास आया 5500। अब पॉइंट के बाद थ्री डिजिट सी, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 5 के बाद, तो आंसर आया 5.500 मीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। नाउ ये हमारे पास कर सफेद एरिया आ गया, अब हमें क्या निकालना था कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगा कट सरफेस एरिया पे, तो हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है, तो इतने की हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करवा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन वन मीटर स्क्वायर इज व्हाट, रुपीज 12.50, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, रुपीज 12.50, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन ओवरऑल एरिया दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर विल बी 12.50 इंटू 5.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यू विल गेट योर आंसर 12.50 इंटू 5.5, ठीक है। सो 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25, 5 टू जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, सेम नंबर रिपीट हो जाएगा, सेम डिजिट होने की वजह से ऐड कर लेंगे 0 5 7 8 6, तो मेरे पास आया 6 8 7 5 0, 6 8 7 5 0, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 और यहाँ पे 1, टोटल 3 हो गई, तो पॉइंट लग जाएगा 68 के बाद, तो आंसर आ गया 68.750 रुपीज, ठीक है। यूनिट लगाना ना भूले, रुपीज 68.750, या आप इसको जीरो को हटा के लिख सकते हैं 68.75 रुपीज, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। अभी तक आपको रेडियस हाइट पता था, हम कर्व सरफेस एरिया निकालते थे, अब यहां पे आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, और क्या पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7, रेडियस भी गिवन है, फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। तो अगर हम सिलेंडर बनाए, वैसे इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हम रेडियस क्योंकि आर कहते हैं, हाइट को एच कहते हैं, तो हम एक बार फिगर में इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रेडियस, आर से हमने इंडिकेट किया, और ये हो गई इसकी हाइट जिसे हमने एच से इंडिकेट किया, ठीक है। रेडियस हमें दे रखी है 0.7 मीटर और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, 2πRh, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 2πRh दैट इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, हाइट निकालनी, तो मैं हाइट को इस साइड रखूंगी और हाइट के साथ जो भी है उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो 4.4 अपॉन 2πr कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड, ठीक है। सो अब हम वैल्यूज रख देते हैं, 4.4 अपॉन 2 इनटू पाई के लिए क्या रखेंगे 22 अपॉन 7, r कितना है हमारा 0.7, ठीक है। अब कुछ देखने के कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कर देते हैं, यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बट ये पॉइंट में है ना, तो 7 बन जाए 7 और 7 बन जाए 7 तो कितना आ जाएगा 0.1, तो देखिए क्या आया, ऊपर तो रह गया 4.4, यहां से 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई बाय 0.1, राइट। इसको फिर से सॉल्व करवा लेंगे, तो 4.4 अपॉन 44 इंटू 0.1 करोगे तो क्या मिलेगा 4.4 ही मिलेगा, तो 4.4 अपॉन 4.4 क्या देगा 1 मीटर। तो यही हमसे कह रहा था हाइट निकालो, तो हाइट कितनी आ गई 1 मीटर आ गई, ठीक है। सो हाइट इज इक्वल टू 1
मीटर. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. देखते हैं क्या गिवन है. द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. ठीक है, आपको एक सर्कुलर वेल गिवन है जिसका इनर डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर एंड इट्स 10 मीटर डीप. अब डीप का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट. ठीक है, तो हाइट मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, हाइट 10 मीटर है और डायमीटर 3.5 मीटर. पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे आपको वेल की थिकनेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो इनर डायमीटर की बात करें या आउटर डायमीटर की बात करें, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. तो इनर रेडियस इज इक्वल टू आउटर रेडियस. ठीक है, तो अगर मुझे इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्वेश्चन में जो भी डायमीटर गिवन है उसी को हम इनर डायमीटर अज्यूम करते हुए इनर रेडियस निकाल लेंगे. तो रेडियस क्या होती है, डी अपॉन टू, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 अपॉन 2 मीटर. ठीक है, अब हमें पता है कि सिलेंडर के इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच. तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह क्या रखेंगे 3.5 अपॉन 2. ठीक है, और एच कितना है मेरा 10 मीटर. ठीक है, डू कैलकुलेशन टू गेट योर आंसर. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 1 2 2 5 10, 7 7 7 5 35, बट 0.05 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दैट्स व्हाई 0.5. नीचे तो कुछ बचा नहीं, अब ऊपर जो भी बचा है उसको हम लिख लेते हैं. 2 × 22 × 0.5 × 5. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेंगे. 22 × 2 = क्या आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 × 5 = 25. तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 2.5 आ जाएगा. अब हमें सिंपली 44 × 25 करना है, राइट. चलिए 25 × 4 = 100 होता है, 10 कैरी जाएगा. 25 × 4 = 100 और 10 कितना हो गया 110, और पॉइंट के बाद चूंकि एक डिजिट है तो 110 के बाद पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर. ठीक है, या आप इसको 110 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल, जो आपसे फर्स्ट पार्ट कह रहा था. सेकेंड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस. ठीक है, अब आपको इस कर्व सरफेस के ऊपर क्या करनी है, प्लास्टरिंग करनी है, जिसका वेट आपको गिवन है ₹40 per meter square. मींस 1 मीटर स्क्वायर में कितना एक्सपेंस लगता है, 40 रुपीज का. तो बताइए ओवरऑल एरिया को पेंट करने में कितना एक्सपेंस लगेगा, 40 × 110. सो यू गेट योर सॉल्यूशन. तो नाउ हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹40. ठीक है, बताइए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी 40 × 110, राइट. तो 11 × 4 = कितना होता है 44, और 00 दोनों की एड प्लेस, तो 4400 रुपीज. ठीक है, यही हमसे जानना चाह रहा था कितनी कॉस्ट आएगी. तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4400. ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8.